नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आपको बता दें कि 7 मार्च की सुबह 11 बजे से जी हाँ दोस्तों यश में से आपके जीवन की आपके 5 सपने साकार होने वाले हैं, आपके 5 सपने सच होने वाले हैं। जी दोस्तों, ये वो सपने हैं जिन्हें लेकर आप पिछले समय काफ़ी परेशान रह रहे थे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यश में आपके ये सपने ही नहीं आपके मेहनत का फल है। जी दोस्तों, आपने पिछले समय जिन कार्यों में अपना मेहनत को दिखाई थी, अपने जिन कार्यों अपने अपने प्रयास को लगाई थी दोस्तों, यश में वह प्रयास आपका रंग लाई है और यश में आपके जीवन की वह जो सपने हैं अब साकार होने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों आपको बता दें कि यश में ग्रहों की कुछ ऐसी स्थिति बन रही है, ग्रहों में कुछ ऐसे बड़े बदलाव हो रहे हैं जिनका शुभ प्रभाव आपकी राशि पर होगा और यश में आपको प्रत्येक क्षेत्र में लाभ ही लाभ और बड़ी कामयाबी आपको प्राप्त होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यश में अगर आप एक दो ऐसे कार्यों में जिन लेकर सावधान रहेंगे तो दोस्तों आप अपने जीवन में बहुत ही बड़ी ऊंचाइयों को छूने वाले हैं। अपने जीवन में वह सभी कार्य को कर पाएंगे जिनकी आप पिछले समय कामना करते थे। दोस्तों आपको बता दें कि यश में भगवान सूर्यदेव के आशीर्वाद से आपके जीवन काल पर भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव होगा। यश में रविवार का दिन रहने से भगवान सूर्यदेव की भी आशीर्वाद आपके जीवन काल पर रहेगी। दोस्तों आपको बता दें कि जिसके ऊपर भी सूर्यदेव की कृपा होती है दोस्तों, उनका जीवन भी धन्य हो जाते हैं। उनके जीवन की सारी कष्ट जो है भगवान सूर्यदेव हर लेते हैं और यश में भी गुरु जो है रविवार का दिन होगा और यश में आपके जीवन की सारी दुख दर्द और संकट समस्याएं स्वयं सूर्यदेव महाराज जी जो है हरने वाले हैं, आपके जीवन की सारी कष्टों से आपको छुटकारा दिलाने वाले हैं। तो ये दोस्तों ऐसे में आपका भी दायित्व होता है कि इन सभी समय का सदुपयोग करके अपने जीवन में आगे बढ़े। तो दोस्तों ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, दोस्तों आपको बता दें कि यश में बदलते ग्रहों के चाल के साथ साथ आपको एक दो ऐसे कार्यों के जिन्हें लेकर सिर्फ सावधान रहने होंगे। जी दोस्तों, तो ऐसे में आप वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। इनमें आप बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी को प्राप्त करने वाले हैं कि यश में आपको किन क्षेत्रों को लेकर सावधान रहने होंगे, कौन से कार्य आपके लिए भाग्य चले होंगे, किन क्षेत्रों में कार्य करने से आपको लाभ की प्राप्त होगी और भगवान सूर्यदेव के आशीर्वाद से आपके जीवन में क्या चमत्कार होंगे, घर के माहौल में क्या सुधार होंगे, पारिवारिक जीवन में क्या सुधार होंगे और आपकी आर्थिक तंगियां किस प्रकार खत्म होंगी। तो दोस्तों अंत तक देखिएगा, उससे पहले दोस्तों जो भी वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय सूर्यदेव लिखेगा गुरु जी का सीधा आशीर्वाद प्राप्त करेगा। तो दोस्तों जरूर लिखिएगा और अगर आप चैनल पर भी नए हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लें ताकि दोस्तों और ऐसी अधिक जानकारियां सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आइए दोस्तों वीडियो को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों यश में अधिकतर समय सामाजिक गतिविधियों में व्यतीत होगा, आपकी कार्य क्षमता और अधिक सशक्त होगी। दोस्तों संतान के करियर संबंधी समस्याओं को सुलझाने में महत्वपूर्ण व्यक्ति की यश में सहायता भी मिलने वाली है। वो दोस्तों इसके उपरांत धर्म कर्म से जुड़े मामलों में भी आपको विशेष योगदान देना पड़ेगा। और इसके उपरांत दोस्तों आपको बता दें कि यश में आपकी सावधानी क्या होगी। दोस्तों अगर पैतृक संबंधी कोई वाद विवाद चल रहा हो तो दोस्तों यश में उसके बढ़ने का भी आशंका लग रहा है तो दोस्तों यश में इनसे सावधान रहें और अपने स्वभाव में धैर्य व फिर नरमी बनाकर रखें। गुस्से से बात जो है बिगड़ सकती है, किसी भी प्रकार की यात्रा नुकसानदेह यश में आपके लिए होने वाली है। तो दोस्तों इन सब चीज़ों से आपको यश में सावधान रहने की भी आवश्यकता होगी। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों बड़े लक्ष्यों को छोटे छोटे भागों में तोड़कर उन पर काम करने की आवश्यकता होगी, जिससे दोस्तों इनके द्वारा आप पर तनाव भी कम होगा और दोस्तों छोटे छोटे लक्ष्य भी प्राप्त करने में आप उत्साह और आत्मविश्वास महसूस करेंगे। दोस्तों बच्चों के साथ बिताया गया समय आपके लिए आनंददायक रहेगा, इनसे आपको आनंद की प्राप्ति होगी। और दोस्तों इसके उपरांत यश में आपके लिए समय होंगे, आपको बता दें कि आपका सकारात्मक दृष्टिकोण घर तथा व्यवसाय दोनों जगहों पर उचित सामंजस्य बनाकर रखेगा। अगर प्रॉपर्टी के लेन देन संबंधी कोई योजना बन रही है तो दोस्तों उसे तुरंत कार्य रूप दें। घर में कोई धार्मिक आयोजन संपन्न करवाने की योजना भी बन सकती है। और दोस्तों इसके उपरांत यश में जल्दी उपलब्धि हासिल करने के चक्कर में गैर कानूनी कार्य में हाथ ना डालें, बेहतर होगा कि समय के अनुसार अपने कार्यों को अंजाम देते रहें, ये आपके लिए यश में अति उत्तम होंगे। दोस्तों आपको बता दें कि दूसरों के मामले में हस्तक्षेप करना आपके मानहानि करवा सकता है। और दोस्तों इसके उपरांत यश में आपके लिए समय होंगे, आपको बता दें
कि दोस्तों परिवार के साथ मतभेद भी अश्मय हो सकते हैं। इसलिए दोस्तों आपको क्या करना है, अपने गुस्से को काबू में रखना है और विचारों को बताने की आवश्यकता होने वाली है। दोस्तों आपको बता दें कि आपके अंदर बढ़ते गुस्से के कारण आप अपने करीबी व्यक्ति को दिल दुखा सकते हैं, खुद के प्रति और गलतफहमियां भी आप बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों हो सके तो इन सभी से सावधान रहें, ये आपके लिए यश में बेहतर होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों काम काज को लेकर की गई यात्रा आर्थिक रूप से बहुत ही लाभदायक साबित होंगी। कार्यों को भी पूरी ऊर्जा के साथ पूरा करने में आपकी जो जज्बा है यश में बना रहेगा। दोस्तों आपको बता दें कि पारिवारिक वातावरण भी अनुशासित और सकारात्मक यश में बना रहेगा। किसी पारिवारिक सदस्य के विवाह संबंधी अच्छा प्रस्ताव भी आपके लिए आ सकते हैं। और इसके उपरांत विद्यार्थी जो है तथा युवा लोग व्यर्थ के हास परिहास तथा मनोरंजन संबंधी कार्यों में समय को नष्ट ना करें। यह समय फिजूल खर्ची पर भी आपको नियंत्रण रखने की आवश्यकता होगी। दोस्तों घर के किसी वरिष्ठ व्यक्ति की सलाह की अवहेलना करना यश में आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है, तो दोस्तों इनसे आपको यश में बचना चाहिए। और दोस्तों इसके उपरांत यश में आपके लिए जो समय होगी, आपको बता दें कि दोस्तों आपको बनाई हुई योजना को पूरा होते देख आपको जो है समाधान भी यश में प्राप्त होने वाले हैं। और दोस्तों यश में अगले लक्ष्य की तैयारी करने की आपको शुरुआत करनी होगी। पैसे से संबंधित निर्णय आपके उचित साबित होंगे। और दोस्तों आपको बता दें कि यश में महिलाओं के नाम पर किया गया निवेश आपको अधिक फायदा दे सकता है, तो दोस्तों इन पर आप अधिक ध्यान दें। महिलाओं के नाम से ही कोई कार्य को या फिर योजना को लें, ये आपके लिए यश में बेहतर होने वाले हैं। और दोस्तों इसके उपरांत यशमय आपके लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों किसी परेशानी का हल भी मिलेगा। अपनी जो है क्षमताओं पर आपको विश्वास रखना चाहिए। परिवार के साथ घर की जरूरत संबंधी वस्तुओं की खरीदारी में भी समय व्यतीत होगा। और दोस्तों किसी नज़दीकी रिश्तेदार के साथ चल रहे वाद विवाद के सुलझने से संबंधों में दोबारा मधुरता भी यशमय आने वाली है। इसके उपरांत दोस्तों यशमय अनावश्यक यात्रा संबंधी कोई प्रोग्राम ना बनाएं। लोगों के साथ बातचीत करते समय सावधान भी आपको रहना चाहिए। दोस्तों गलतफहमियों की वजह से जो है संबंधों में खटास आ सकती है। बच्चों की समस्याओं के समाधान हेतु आपका सहयोग इसमें अति आवश्यक होगा, तो दोस्तों इन पर जरूर ध्यान दें, ये आपके यश में बेहतर होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि मन के विरुद्ध आपको यात्रा संबंधी कोई निर्णय लेना भी पड़ सकता है। दोस्तों तो इनसे आपको सावधान रहने की आवश्यकता होगी, इनसे आपको बचने की आवश्यकता होगी। दोस्तों काम से संबंधित यात्रा आपके लिए तो सफल रहेगी, लेकिन दोस्तों मन का समाधान आपको प्राप्त नहीं होगा। आपको बता दें कि परिवार संबंधी चिंता इसमें आपकी बढ़ सकती है। आपके ऊपर जो है बनी जिम्मेदारी किसी के साथ बांटने की आप कोशिश करें, इनसे आपको काफ़ी अच्छा फील होगा। और दोस्तों इसके उपरांत यश में अगर आपकी करियर को लेकर बात करें, तो दोस्तों यश में आपके करियर आपके व्यवसाय के लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि काम काज में बहुत अधिक व्यवस्था बनी रहेगी। कुछ महत्वपूर्ण फैसले भी आपके सफल होंगे और मार्केटिंग संबंधी कार्यों में अधिक कार्य जो है अधिक समय आपका व्यर्थ ना करें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। दोस्तों यश में अधीनस्थ कर्मचारी के मान सम्मान में आपको ध्यान देना चाहिए, ये आपके भविष्य के लिए बेहतर होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके करियर आपके व्यवसाय के लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों यश में व्यापार में विस्तार संबंधी योजनाओं पर गंभीरता से विचार करें। दोस्तों आपके व्यक्तित्व या फिर आपके कहें तो मधुर भाषा स्वभाव से जो है व्यापारी संबंध और अधिक मजबूत होते हैं, तो दोस्तों इन पर जरूर दें ध्यान दें और अपने वाणी को जो है इसी तरह बरकरार रखें, आप भविष्य के लिए आपके बेहतर होंगे। दोस्तों आपको बता दें कि यश में आपको प्रोडक्ट अपनी क्वालिटी पर अधिक बेहतर करने के लिए ध्यान देने की आवश्यकता होगी। दोस्तों यश में नौकरी में जो है आपको अपना टारगेट सुगमता से हासिल भी हो जाएगा, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। लेकिन दोस्तों यश में आपको रुकना नहीं है, और भी मेहनत करना है और भी आपको भविष्य में आगे बढ़ना है। दोस्तों यश में बिजनेस पार्टनर तथा कर्मचारियों पर पूरी तरह से जो है निर्भर रहने के बजाय आपको अपनी कार्यक्षमता पर विश्वास भी रखना चाहिए। दोस्तों नौकरी पेशा व्यक्ति अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह को बहुत अधिक संभाल कर रखें, ये आपके लिए यश में बेहतर होने वाले हैं। और दोस्तों इसके उपरांत यश में आपके लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों अभी कार्य क्षेत्र में गतिविधियां समान ही बनी रहेंगी। यश में अपने संपर्क क्षेत्र का दायरा जो है और अधिक बढ़ाने की जरूरत आपको होगी। व्यावसायिक कार्यों में जो है एडवर्टाइजमेंट से ज़्यादा फायदा हो सकते हैं, तो दोस्तों अगर आपकी बजट है तो आप इन पर ध्यान दे सकते हैं, इन पर आप काम कर सकते हैं। दोस्तों यश समय की आपके जो मेहनत है निकट भविष्य में अति उत्तम साबित होंगे और आप अच्छी सफलता को अर्जित करने वाले हैं। और दोस्तों इसके उपरांत यश में अगर आपकी लव लाइफ यानी आपकी पारिवारिक जीवन की बात करें, तो दोस्तों यश में जीवन साथी का आपको जो है भावनात्मक सहयोग प्राप्त होगा तथा घर के माहौलों को भी डिसिप्लिन बनाकर रखेगा।
दोस्तों यश में प्रेम संबंधों में भी जो है अस्थायित्व लाने की वजह से एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान आप अवश्य करें, ये आपके लव लाइफ के लिए यश में बेहतर होंगी। और दोस्तों इसके उपरांत यश में आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि यश में पति की पत्नी के बीच चल रही गलतफहमियां दूर होंगी और यश में किसी मित्र के मुलाकात के लिए जो समय होगा अच्छा समय होगा, इनसे आपका दिन जो है खुशनुमा और तरोताजा बनने वाले हैं। और दोस्तों इसके उपरांत यश में आपके स्वास्थ्य के लिए जो समय होंगे, आपके हेल्थ के लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि स्वास्थ्य में वर्तमान मौसम की वजह से हल्के फुल्के उतार चढ़ाव की स्थिति भी रहेगी। अपने खान पान और फिर दवाइयों का विशेष ध्यान रखें, ये आपके स्वास्थ्य के लिए यश में बेहतर होंगे। दोस्तों हल्की फुल्की मौसमी बीमारियों जैसे खांसी जुकाम गला खराब आदि परेशान करेंगे, इसलिए लापरवाही ना बरतें ही तो आपके लिए बेहतर होंगे।